तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हर हर महादेव। तो गाइस, अभी मेरी मॉर्निंग हो रही है किचन में और मैं बस नाश्ता वगैरह हल्का फुल्का कर चुकी थी और यहाँ पे मेरे हस्बैंड को जाना था बहुत जल्दी ऑफिस, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए खिचड़ी बना दे। तो मैं उनके लिए जल्दी से जाके पहले खिचड़ी बनाने लगी थी और मेरे को नाश्ता करने का टाइम भी नहीं मिला था ज़्यादा। तो गाइस, मैंने फ्रूट्स ही खा लिए थे और गाइस यहाँ पे मेरी खिचड़ी साइड को बन रही है और जो बना रही हूँ मैं आज काली दाल की खिचड़ी। आप लोग कैसे बनाते हैं बताइएगा, मैं आपको दिखाऊंगी। और मैं फटाफट बहुत जल्दीबाजी कर रहा था, मैं दिखा नहीं पाई थी कैसे बनाती हूँ। और घर वालों ने बोला कि वो तो नहीं खाएंगे खिचड़ी, क्योंकि उन लोगों को खिचड़ी बिल्कुल पसंद नहीं आती है, उनको अपने हाथ की पसंद है वो खिचड़ी। तो वो जैसे बनाते हैं वो ये वाली नहीं खाते, उन्होंने कभी खाई भी नहीं शायद, वो चने की दाल की खाती हैं। तो मेरे को तो पसंद है और मैंने अपने हस्बैंड को बना के खिलाया था, उनको तो पहले पसंद आई थी, तो वो बोलते हैं कि बना लिया कर। तो मैं साइड को बना रही हूँ अपने लिए खिचड़ी और अपने हस्बैंड के लिए, और यहाँ घर वालों के लिए बनाई थी रोटी। और पहली रोटी मैंने गाय माता के लिए बना के कर दिया साइड का। उन लोगों के घर वालों के लिए सब्जी रखी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हम तो उससे खा लेंगे, तुम लोग अपना जो खाना है तुमको खा लो। तो गाइज, मैं भी आपको दिखाऊंगी कितनी टेस्टी लग रही है। और मैं आज कम से कम 6-7 महीने से भी ज़्यादा हो चुके हैं इस बात को, मैंने खिचड़ी नहीं खाई है। क्योंकि मैं घर में तो खाते रहते थे, हमारे घर में बन जाती है, यहाँ पे भी होता है ना, सिंगल इंसान कितना खाएगा, और साथ में कोई खाने वाला हो तो चलो ठीक रहता है, और रात को खाने का मन नहीं करता, दिन में ही अच्छी लगती है सब चीज़ें, चावल खाना हो गया, जैसे खिचड़ी वगैरह कुछ हो गई तो दिन में ही अच्छा लगता है। पर यहाँ पे क्या होता है, रात को ही खाते हैं। मेरे हस्बैंड दिन में बहुत कम टाइम में ऐसा होता है कि वो घर पे होते हैं। तो आज पता नहीं उनका क्या मन हुआ, उन्होंने कहा कि बस तू मेरे लिए वाली खिचड़ी बना दे। तो गाइस, ये है मेरा दिन का खाना जिसमें बनाई है मैंने काली दाल की खिचड़ी, आप देख सकते हैं। और ये है अचार, और ये है चटनी, और ये है घी, ये देखिए। और नाश्ता सिर्फ मैंने पपीता खाया था, इसलिए कुछ खाया नहीं, भूख लग रही है गाइस। ये देखिए, मेरे हस्बैंड को खिचड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे हाथ की बहुत ज़्यादा, वो तो खुश हो जाते हैं, उन्होंने आज जिद करके खिचड़ी बनवाई थी। तो आप बताइए आपको कौन सी खिचड़ी ज़्यादा पसंद है। तो हेलो गाइस, आजकल आप लोग सब देख रहे होंगे कि एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि जो हम लोगों ने कोविशील्ड लगवाई थी वैक्सीन, उसका बोल रहे हैं साइड इफेक्ट होने वाला है। तो क्या ये सच बात है, क्या हम लोगों ने वो सब करके गलती करी है, ये सब चल के रहेगा? तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ तो न्यूज़ है नहीं, पर थोड़ा जो मैं सुनने में आ रहा है, मैंने सोशल मीडिया पे देखा है, थोड़ा न्यूज़ चैनल में देखा है, तो गाइस उससे सुनने में ये आ रहा है कि जिन लोगों ने भी हमारे इंडिया में तो 99% लोगों ने ये वैक्सीन लगा रखी है, तो गाइस बोल रहे हैं कि जिन लोगों ने ये वैक्सीन लगा रखी है तो उसको खून के थक्के बनना और जैसे प्लेट्स वगैरह कम हो जाती है, वो सब सिम्टम्स दिख रहे हैं बोल रहे हैं। तो जैसे जब से लॉकडाउन हुआ है उसके बाद जिस जिनको ये वैक्सीन लगी है, जिसको क्या ऑलमोस्ट सबको लगी ही है, तो ये सब चीज़ें देखने को मिली, कि सच है या झूठ है गाइस, अभी इस चीज़ का कन्फर्म तो नहीं हो पाया है, बस बोल रहे हैं कि ये सब चीज़ है करके। अब सच है झूठ है या फेक हो रहा है, कुछ कन्फर्म नहीं है इस चीज़ के बारे में, हम नहीं बोल सकते श्योरली, क्योंकि 4 साल इस चीज़ को हो चुके हैं। और 4 साल पहले चलो बात नहीं मानो, 2021 में हम लोगों ने ये वैक्सीन लगवाई थी, ऑलमोस्ट सब लोगों ने 2021 में वैक्सीन लगवा ली थी, तो 3 साल बाद इसका क्या साइड इफेक्ट दिख रहा है? तो आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या ये सच बात है या सिर्फ अफवाह उड़ाई जा रही है, आप लोगों को इसके बारे में कुछ आइडिया है या आप लोगों को पता है या नहीं, तो गाइज आप लोग मुझे अपने थॉट्स कमेंट में बताइएगा। तो गाइज, मैं शाम को कोई टेंशन में, क्योंकि आजकल मैं इंस्टा पे इतना देख देख के परेशान हो गई हूँ कि कोविशील्ड लगा के गलती कर दी, ऐसा होगा वैसा होगा, अटैक बढ़ रहा है, ये हो रहा है, तो थोड़ा सा माइंड में टेंशन तो हो ही जाती है। तो गाइज नीचे जाके मैंने बनाया ये दलिया, घर वालों ने बोला था कि दलिया खाना है क्योंकि ससुर जी थोड़े बीमार हो रखे हैं, अब उन्होंने बोला दलिया खाना है, तो उनके लिए दलिया बनाया। और हमारे लिए अलग बनाई थी सब्जी मैंने, जो कि मैंने बना के कर दी थी साइड को, कद्दू की सब्ज़ी, और यहाँ मैं बनाई थी रोटी थी। और आज मैंने सर पर रख रखा पल्ला, क्योंकि मेरे हस्बैंड के ताऊ जी बैठे थे, तो वो होता है ना, मैं किचन में हूँ भले ही देख नहीं रहे हैं, पर वो होता है कि अरे बहू कैसे रहती है, ये वो सो करके लोग करने लग जाते हैं, तो इस वजह से मैंने आज पूरा खाना ऐसे सर पे पल्ला रख के बनाया, क्योंकि गर्मी इतनी होती है, गर्मी में बिल्कुल भी करने का मन नहीं करता पल्ला, इतना इरीटेट हो जाता है ना इंसान बहुत ज़्यादा। गाइस, मैं जो कद्दू की सब्ज़ी बनाती हूँ वो ऐसे बनाती हूँ, बिल्कुल सिंपल तरह से बनाती हूँ, और सिर्फ इसमें जीरा और थोड़ी सी सूखी मिर्च डाल के और प्याज डाल के, और मन करता है तो टमाटर भी डाल देती हूँ, छोटा सा एक डाल देती हूँ, और इसको अच्छे से फ्राई करके कद्दू डाल देती हूँ, और उसके साथ डालती हूँ मैं हरी मिर्च, तो अच्छे से हरी मिर्च में बनाती हूँ, उसमें कोई लाल मिर्च नहीं, हल्दी वगैरह कुछ भी नहीं डालती हूँ। तो गाइस, घर वालों को तो ऐसा कद्दू पसंद आता नहीं है, तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। और वो कद्दू रखा रखा ना थोड़ा सा पीला भी हो गया था गाइस, काफ़ी टाइम पहले का रखा था, थोड़ा सा ना मीठापन भी आ गया था, बस मुझे ज़्यादा मीठा तो पसंद नहीं है, पर यह है कि अब रखा था तो बस खाना पड़ गया, बाकी तो मुझे सब्ज़ी बहुत
टेस्टी लगी थी, और मैंने तो आराम से 2-3 दिन कर। अब मैं यहाँ पे मुस्कुरा रही हूँ क्योंकि मेरे जो हस्बैंड के ताऊ जी हैं वो मेरे ससुर जी को पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, बहुत मतलब बहुत सुना रहे थे। ऐसे भाई है ना तो थोड़ा बहुत होते ही है, तो कुछ सुना रहे थे, तो मैं ऐसे ही मुस्कुरा रही थी कि यार क्या क्या बोल रहे हैं करके। मुझे तो हंसी भी आ रही थी, मैं बोल तो नहीं सकती, मैं बहुत हंस रही थी। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा ऐसे खाना बनाते, मैंने थोड़ा ब्रेक मार के मैं उनको चाय वगैरह बनाकर दे कर आई थी कि चाय पीते रहेंगे बैठ के। और वो वहाँ से बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा बोलते हैं, उनकी क्लास लगाते हैं वैसे, मतलब भाई होते हैं ना, बड़े भाई हैं तो थोड़ा ज़्यादा ही करते हैं वो कि ऐसे क्या कर वैसे क्या कर, तो ठीक क्यों नहीं हो रहा है। अब वो थोड़ा एज हो जाती है, इंसान थोड़ा बहुत तो बीमार होता ही है, तो अब वो अब ये भी होता है बीमार भी होता है। फिर दूसरे क्या होता है, बहन भाई होते हैं ना तो एक दूसरे के लिए थोड़ी चिंता तो रहती ही है कि यार बीमार हो रखा है, मेरे से छोटा है, क्या हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं गाइस। तो ऐसी चीज़ें होती, मैं सुन सुन के बहुत मुस्कुरा रही थी, बार बार हंस रही थी, पर मैं उधर देख तो नहीं सकती थी। तो गाइस यहाँ मैंने अपना मस्त होकर खाना बनाया। तो गाइस ये है मेरा रात का खाना, जिसमें है कद्दू की सब्जी और ये रोटी। और मैं कद्दू की सब्जी के साथ ना रोटी में घी लगा कर नहीं खाती, मुझे ऐसे ही पसंद है। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, गुड नाइट, टेक केयर।